आंकड़े को लेकर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, मतदान प्रतिशत को लेकर थोड़ा सा इसलिए विश्लेषण करना जरूरी है क्योंकि पिछली बार का जो कम मतदान प्रतिशत था उसने कई जगह से चिंता बढ़ाई, ना सिर्फ राजनीतिक दलों की बल्कि भी चुनाव आयोग की भी, क्योंकि उनकी तरफ से कई तरह के नवाचार किए गए थे, सतरंगी कार्यक्रम चलाया गया, सोशल मीडिया पर कई तरह की कैंपेनिंग की गई। आज जो 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आया है, ये क्या इशारे करता है राजस्थान को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए प्रभात, आंकड़े अपडेट कर देता हूं मैं। 19 तारीख के और आज 26 तारीख के दोपहर 1 बजे तक का जो निर्वाचन की तरफ से यहां पर जो आंकड़े दिए गए हैं, फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं कि 40.39% मतदान आज 13 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर हुआ है। वहीं अगर बात करें तो 12 सीटों पर जब 19 तारीख को वोटिंग हुई थी दोपहर यही वक्त था, वो परसेंटेज केवल 33.73% था। यानी कुल मिलाकर 19 यानी 12 सीटों के मुकाबले आज जहां 13 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक जो मतदान का जो प्रतिशत है उसमें 7% का सीधा सीधा अंतर देखा जा सकता है। यानी प्रभात, यहां पर देखा जा सकता है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चाहता है, निर्वाचन विभाग राजस्थान भी चाहता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। यहां तक कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो भी चाहती हैं कि मतदान का प्रतिशत, मत चाहे किसी को भी मिले लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए, यही वजह है। हालांकि यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि 18वीं लोकसभा के लिए पूरे देशभर के तमाम जो चरण हैं उसमें अगर ओवरऑल निकाला जाएगा इन फ्यूचर तो वो मतदान का प्रतिशत है पिछले सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो 19 तारीख के मुकाबले 1 बजे तक की जो अपडेट आई है उसमें 7% ज्यादा मतदान यानी 40.39% का जो आंकड़ा आया है। यानी मतदाताओं में जो रुझान देखने को मिला है और उसके बाद ही ये जो आंकड़े जारी हुए हैं। आपने अलग अलग जगह के देखे, चाहे राजसमंद हो, उदयपुर हो, या फिर जोधपुर हो, या कोटा झालावाड़ की सीट हो, हर तरफ जो मतदाता हैं वो अपने मतदान केंद्र पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र की ये खूबी है प्रभात, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो लोग पहुंच रहे हैं और लोग मानते हैं कि उनका जो मत है, उनका जो वोट है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मतदान का जो प्रतिशत है, अब भले ही अलग अलग कार्यक्रम निर्वाचन विभाग की तरफ से चलाए गए हों, ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए जाते हैं वो बनाए गए हों, अपनी तमाम प्रक्रियाएं उन्होंने चलाई, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो ये भी हो सकता है कि अगर आंकड़े हैं वो परिणाम भले ही चौंकाने वाले हो सकते हैं लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। प्रभात जी, योगेंद्र, फिलहाल अगर देखिए हम मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सारी कई तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं उन सबको अंजाम देने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का क्या कहना है? मौसम को लेकर बात कही जा रही है, कभी शादी के सावों को लेकर बात कही जाती है, कभी ये, चलिए ये दो चीज़ें समझ में आती है क्योंकि ये ऐसे कुछ आयोजन हैं और कुछ कुदरती कारण हैं, लेकिन अगर लोग इनके बावजूद, अगर मौसम सुहाना हो चुका है उसके बावजूद अगर घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और वो बेरुखी दर्शाते हैं मतदान के प्रति, मौसम की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं, उनके कुछ सियासी कारण या फिर और कुछ कारण हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। लोगों का क्या कहना है, किस तरह के कारण हैं, क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे? देखिए प्रभात, मतदान जब होता है अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, ये देश का चुनाव है, लोकल मुद्दे इसमें गौण होते हैं, देश का चुनाव है, लोगों से हमने जब बात की तो लोग अलग अलग बड़े रूप में अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें स्थानीय जो नेता है, जो उनका है, वो पसंद नहीं है या वो उसके बारे में जानते नहीं हैं, कुछ लोगों की अलग अलग हैं, लेकिन साफ तौर पर अपने कितने प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में होते हैं इनको लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। कुछ लोगों से हमने जब उनके प्रतिनिधि के बारे में पूछ लिया कि यहाँ अजमेर में आपका प्रतिनिधि यानी बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या फिर अन्य जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में कौन है, उन्हें प्रत्याशी का नाम तक याद नहीं है। हालांकि लोग ये जरूर कह रहे हैं, कुछ लोगों से ग्रामीण परिवेश में जब हम पहुंचे थे उनसे बात की तो वो केवल उनको केवल जो सिंबल होते हैं पार्टी के वो ही याद हैं, यानी जो मुद्दे हैं वो तो गौण हो जाते हैं, लेकिन ये देश का जो चुनाव होता है उसमें लोकल जो मुद्दे हैं वो देखे नहीं जाते, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मेजरमेंट है किस तरह से लोग इस पूरे चुनाव को लेते हैं। लेकिन फिलहाल निर्वाचन विभाग की जो तैयारियां हैं वो तो पुख्ता दिख रही है, लेकिन अब लोगों को प्रभात, आपने भी जिस तरह से अपील की, जन टीवी भी लगातार अपील कर रहा है कि मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपना अधिकार जो है वोट डालने का उसका उपयोग करें ताकि जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो, और इसी के लिए ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं
जो निर्वाचन आयोग भी है वो भी चाह रहा है कि जो वोटर परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो अच्छे लोग चुनकर आएंगे, क्योंकि लोगों की भागीदारी जब होती है और लोग अपना नेता चुनते हैं तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्रभात, बिल्कुल योगेंद्र आपने सही कहा, चुनाव की प्रक्रिया को अगर हम एक युद्ध भी मानकर चलें तो मतदान की जो प्रक्रिया है एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे हाथ में। बिना युद्ध लड़े अगर आप हथियार डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि आप युद्ध का परिणाम आने से पहले ही अपने आप को एक तरह से हारा हुआ मान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जब तक सांस है तब तक युद्ध लड़ें, हथियार अपने हाथ में रखें ताकि आपको कम से कम ये एहसास तो ना हो कि आप बिना लड़े युद्ध हार गए। जीत और हार बाद का परिणाम है, लेकिन आप अपने उस मताधिकार का ज़रूर इस्तेमाल करें। जन टीवी भी आपसे यही अपील करता है, किसी के भी पक्ष में मत करें, वोट दें, लेकिन वोट देने के लिए घरों से निकले ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ हम रुख करेंगे। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि दिल्ली से, ईवीएम को लेकर। आपको बता दें कि ईवीएम से ही मतदान होगा और वीवीपैट